गवर्नमेंट से भी अपील है, मतलब जितने इदारे हैं हमारे जो अहम हैं उनसे अपील है कि ये सेहत कार्ड को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी किया जाए और हर किसी के लिए जारी किया जाए। इस वक्त मुल्क के हालात जो है कोई अमीर गरीब नहीं रहा, सब बराबर हो चुके हैं इस वक्त मेरी नज़र में। तो ये इमरजेंसी है सिर्फ बच्चों के लिए। तो आइए हम एक पेशेंट हैं उनके फादर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आपका नाम क्या है? ज़मीर हुसैन जी। आप क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं सर। अच्छा, आपकी बेटी को क्या मसला दरकार हुआ है? ये ऐसा था कि जब इनको ये टाइफाइड का मसला बना था तो हमने यहाँ पे इनको एडमिट करवाया सेहत कार्ड के हवाले से ही, तो माशाल्लाह बेहतरीन इलाज हुआ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी मतलब हमारा कोई अखराजात नहीं है, तो माशाल्लाह इलाज इसका करवाया, बेहतर हो गई, इसको हम घर ले गए। अब ऐसा है कि जब दोबारा इसको तकलीफ़ हुई यही सिम्टम्स दोबारा इसके अंदर जाग पड़े। मुर्शिद अस्पताल आने से पहले हम इसको दीगर अस्पतालों में लेके जाते रहे, जैसे बहुत नाम सुना है उसका पटनी, वहाँ काफ़ी अर्सा ये रही है, मतलब 3-4 दिन वहाँ भी ट्रीटमेंट इसकी होती रही है। उसके अलावा एक और डॉक्टर हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इशफाक, उसके ऊपर इलाज करवाते रहे, लेकिन वही ज़ाहिर है वक्ती तौर पे आराम आता था फिर तकलीफ हो जाती थी। डॉक्टर लेकर पास इलाज करवा रहे थे, जब उनसे नई ट्रीटमेंट हो सकी तो उन्होंने हमें रेफ़र किया मुर्शिद हॉस्पिटल की तरफ। तो उस इमरजेंसी की सूरत में हम मुर्शिद हॉस्पिटल लेके आए, माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली हमें इमरजेंसी से ही। फिर उसके बाद सेहत कार्ड के हवाले से मतलब इसका इलाज चलता रहा और बहुत अच्छा चला, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला, कोई ख़र्चा वर्चा नहीं हुआ था उस वक्त मार्च के महीने में, तो बेहतर हो गई, हम घर ले गए इसको। अब दोबारा जब इसको ये सिम्टम्स हुए तो पहले तो हमने जो इलाके के डॉक्टर थे उनको दिखाया है, जो मुर्शिद की रिपोर्टें वगैरह सब मौजूद थी हमारे पास वो भी दिखाई उनको, तो उन्होंने फिर हमें दोबारा यही सजेस्ट किया कि आप मुर्शिद ही जाएँ। जब मैं दोबारा मुर्शिद हॉस्पिटल में आया तो मैंने दोबारा सेहत कार्ड भी अभी अपनी बच्ची को एडमिट करवाया हुआ है, अभी मौजूद है हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टर इमरजेंसी में मौजूद थे, उनको आके जब ट्रीटमेंट करवाई चेक करवाया उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। सब तो पहले मतलब उन्होंने गाइडलाइन दी कि परेशान मत हों, घबराएँ मत, ये ना हो वो ना हो, पैनिक मत हो जाएँ। उसके बाद उन्होंने इलाज करवाया शुरू कर दिया। तो अभी तक जो स्टाफ था वो बार बार आके पूछ रहा था, अभी भी ये मेरे पास आए हुए खड़े हुए, ये रिपोर्टें मतलब ये पर्चियाँ लेके आए हुए कि ये टेस्ट वगैरह के लिए जाना, ये मौजूद है अभी भी खड़े हुए व्हीलचेयर लेके, तो मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये आजकल माशाल्लाह सेहत कार्ड पर जो इलाज हो रहा है बहुत बेहतरीन हो रहा है। मैं अपनी बच्ची का इलाज प्राइवेट पर पहले तो करवा ही नहीं सकता था, फिर उधार उधार लेके जो करवा सकता था करवा लिया, आखिर में थक हार के मुर्शिद हॉस्पिटल में आया, सेहत कार्ड के वाले से इसका एडमिशन शुरू हुआ और ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। तो मैं तो कहता हूँ ये एक नेमत है और ये चलती है और जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके पास बेचारों के पास नहीं है मेरी तरह वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में क्या सैलरी, 25-30 हज़ार में घर नहीं चलता, इलाज कैसे कराएंगे? तो सर हम मेरी तो गवर्नमेंट से भी अपील है, मतलब जितने इदारे हैं हमारे जो अहम हैं उनसे अपील है कि ये सेहत कार्ड को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी किया जाए और हर किसी के लिए जारी किया जाए। इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं कोई अमीर गरीब नहीं रहा, सब बराबर हो चुके हैं इस वक्त मेरी नज़र में। तो इस सेहत कार्ड के अलावा बहुत ही अच्छा भी मेरी बच्ची का इलाज चल रहा है, मौजूदा इलाज चल रहा है, मेरे सामने पड़ी हुई इसका इलाज चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। और मुर्शिद अस्पताल का बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ एक मदद है इसलिए, जो हमारा एरिया है बल्दिया टाउन का पसमानदा एरिया है उसमें ये हॉस्पिटल और फिर उस पर सेहत कार्ड के हवाले से इलाज करना मुर्शिद की, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी अच्छी काविश है जी। तो नाज़रीन आपने ये मुलाहिज़ा किया कि सेहत सहूलत कार्ड कितनी बड़ी नेमत है और मुर्शिद हॉस्पिटल में किसी खूबसूरती से इसको निभाया जा रहा है। माशाल्लाह आपने पेशेंट का फीडबैक लिया, कितने मुतमईन हैं और खुश हैं, यहाँ पर इलाज इनका बेस्ट तरीके से होता है, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट वो है। और आप मुर्शिद हॉस्पिटल आपने ख़ुद देखा हुआ है कि 330 बेड हॉस्पिटल है और वाहिद हॉस्पिटल है जो कि बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। थैंक यू वेरी मच आज का प्रोग्राम देखने का। साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।